ओके, दिस इज अ ब्रांड न्यू स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G। और ये जो फ़ोन है हमारे पास अवेलेबल है 3 अलग अलग कलर में। फर्स्ट यहाँ पे आपको मैजेस्टिक गोल्ड कलर, जो कि दिवाली एडिशन है, स्पेशल एडिशन है। और जो दूसरा कलर यहाँ पे स्टेलर ब्लैक कलर देखने के लिए मिलता है। और जो थर्ड में आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे अरोड़ा कलर है। तो इन तीनों ही कलर को काफ़ी ओप्पो ने अच्छे से डिज़ाइन करा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले इन तीनों ही फ़ोन की अनबॉक्सिंग, और मैं दूंगा आप सभी को फर्स्ट इंप्रेशन। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक दीजिएगा, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसे करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं स्टेलर ब्लैक कलर से। तो बॉक्स पैकिंग यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है गोल्ड कलर के, और ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G का ब्रांडिंग कलर मिलता है। एंड इसके बैक कलर पे यहीं पे हम लोगों को देखने को मिलता है स्टेलर ब्लैक कलर। और ये फ़ोन मिलता है 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज के साथ। चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग करते हैं इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग, और मैं देता हूँ आप सभी को इसका फर्स्ट इंप्रेशन। तो आज की अनबॉक्सिंग बिल्कुल रिलैक्स होकर करेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ओनली फॉर ओनली कलर अनबॉक्सिंग। यहाँ पर ब्लैक बॉक्स देखने को मिलता है, ओप्पो का ब्रांडिंग कलर मिल जाता है। अब चलिए देखते हैं इस ब्लैक कलर को कि यहाँ पे कितना डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। चलिए इसमें बात कर लेते हैं एक बार बॉक्स कंटेंट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आई थिंक एक सिलिकन केस, सिम इजेक्टर टूल एंड कुछ वारंटी कार्ड देखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ते हैं, ओप्पो रेनो 6 प्रो रखा मिलता है। एंड ये फ़ोन यहाँ पे स्टेलर ब्लैक कलर में है। फ़ोन की क्वालिटी डिज़ाइन काफ़ी सही है, आगे हम लोग बात करने वाले हैं। साथ में आने वाला जो बॉक्स कंटेंट है, इसके साथ आपको तीन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे सी टाइप चार्जिंग केबल मिलता है, दूसरा यहाँ पर आपको सी टाइप ईयरफोन देखने को मिलता है, और जो थर्ड भारी भरकम सा देख रहे हैं ये आपको यहाँ पे सुपर बुक 2.0 65 वॉट वाला ट्रेबल एडाप्टर देखने के लिए मिल जाता है। ये था ओप्पो रेनो 6 प्रो के साथ आने वाला बॉक्स कंटेंट। तो इसके लगे हुए उस रैपर को यहाँ पर फटाफट से हम लोग बाहर निकालते हैं, और देखते हैं कि ये फ़ोन जो है यहाँ पे कितना अमेजिंग देखने को मिलता है। फ़ोन ये आपको स्टेलर ब्लैक कलर में मिलता है। आपका डिज़ाइन जो इस फ़ोन का है यहाँ पे मिड देखने को मिल जाता है। फ़ोन काफ़ी स्लिम रखा गया है, एंड फिलहाल अभी इसे हम लोग साइड रखते हैं। एंड अब बात करते हैं इस ओप्पो रेनो 6 प्रो अरोड़ा कलर के बारे में। ये भी कलर यहाँ पर काफ़ी अमेजिंग देखने के लिए मिलता है। चलिए करते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स, और मैं देता हूँ इसका फर्स्ट इम्प्रेशन। तो फाइनली यहाँ पर ये अरोड़ा कलर भी ओपन कर लिया है, और ये भी फ़ोन यहाँ पे ब्लैक बॉक्स में ही देखने के लिए मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो पाउच मिलता है, इसे अभी हटा लेंगे। यहाँ पे मिलता है ओप्पो रेनो 6 प्रो का अरोड़ा कलर, इसे अभी बाहर निकालते हैं, बाकी इन चीज़ों को साइड करते हैं। अब देख सकते हैं इस फ़ोन का जो कलर है आपको देखने में काफ़ी यहाँ पर स्टाइलिश लग रहा होगा। चलिए इसके ऊपर लगे हुए इस रैपर को भी निकाल देते हैं, और फाइनली फिर बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। इसके ऊपर इस स्टिकर को भी निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो फ़ोन है यहाँ पे अरोड़ा कलर में है। अब इसे आप हल्का ग्रीनिश कह लो या फिर हल्का ब्लू कह लो, स्काई ब्लू कह लो, बट इसका जो नेम है वो आपको अरोड़ा ग्लो देखने के लिए मिलता है। एंड यहाँ पर आपको ब्लैक ग्लो देखने के लिए मिलता है। ये ओप्पो रेनो टेक्नोलॉजी है। एंड अभी इन दोनों ही फ़ोन को साइड करते हैं, और अब फाइनली बात करते हैं इस ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G गोल्डन कलर के बारे में। ये फ़ोन यहाँ पे बॉक्स पैकिंग काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों ही फ़ोन के बॉक्स पैकिंग से। फटाफट से इसको भी हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेंगे, एंड साथ में आपको इसके अंदर सिम इजेक्टर टूल एंड कुछ डॉक्यूमेंट मिलता है। अब चलिए एक बार इसके बॉक्स कंटेंट को भी यहाँ पर हम लोग चेकआउट कर लेंगे। ये रखा मिलता है ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G, और इसे भी साइड करते हैं। इसके साथ आने वाला जो बॉक्स कंटेंट है तो सब कुछ वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो अदरवाइज आपको वाइट कलर में देखने के लिए मिल रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेबल अडेप्टर जो है आपको वाइट कलर में देखने के लिए मिला, एंड ये जो है आपको यहाँ पर ट्रेबल अडेप्टर ब्लैक कलर में देखने के लिए मिल जाता है, और ये 65 वॉट का मिलता है। यहीं पर हम लोगों को ब्लैक कलर में ईयरफोन भी देखने को मिल जाता है, और इसका पैकिंग थोड़ा स्टाइलिश करा गया है। यहीं पे सी टाइप चार्जिंग केबल भी मिलता है। ये था बॉक्स कंटेंट। अब फाइनली इन तीनों ही फ़ोन का दुकान यहाँ पे लग चुका है। चलिए इसे भी बाहर निकालते हैं, और देखते हैं कि ये जो फ़ोन है ब्लैक कलर, अरोड़ा कलर एंड गोल्ड कलर, इन तीनों ही फ़ोन का जो सबसे अमेजिंग कलर है वो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे ओप्पो रेनो 6 प्रो, मेरे ख्याल से मैं अपना ओपिनियन दूँ तो ये आपको दिवाली एडिशन मिलता है गोल्ड कलर में, एंड जो दूसरा देख रहे हैं ये आपको प्रोफेशनली कभी भी ऑलराउंडर इस कलर को आप कह सकते हैं। एंड जो तीसरा कलर है यहाँ पे अरोड़ा कलर, वो भी यहाँ पे काफ़ी सही मिलता है। एंड अब चलिए बात कर लेते हैं इस फ़ोन के थोड़े से डिज़ाइन, थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी और थोड़े फीचर्स के बारे में। तो ये जो ओप्पो रेनो 6 प्रो है आपको 12GB रैम एंड
256 GB स्टोरेज के साथ मिलता है एंड इस फ़ोन के बैक पे आपको ग्लास देखने के लिए मिल जाता है। यहीं पे ये फ़ोन जो है 64 MP क्वाड कैमरा के साथ आता है एंड इसका जो सेल्फी कैमरा है वो आपको यहाँ पे 32 MP में देखने के लिए मिल जाता है। एंड इस फ़ोन के बॉटम साइड पे आपको 3.5 mm जैक लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता क्योंकि सी टाइप ईयरफोन यहाँ पे यूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। एंड ये जो फ़ोन है यहाँ पे एज डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, मीन्स की कर्व देखने को मिल जाता है, पंच होल मिलता है एंड साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को इस फ़ोन के अंदर मिल जाता है। एंड इसके हार्डवेयर की बात करें तो इसके अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 5G चिपसेट मिलता है। तो प्रोसेसर भी इस फ़ोन का जो है काफ़ी तगड़ा दिया गया है और फ़ोन डिज़ाइन वाइज काफ़ी सही है और तीनों ही फ़ोन का जो कलर है मेरे ख्याल से काफ़ी सही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि मैं नए नए गैजेट अनबॉक्सिंग कलर वाइज ये वो सब लेकर आता रहता हूँ और लेकर आता रहूँगा।